दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। दोस्तों कुछ समय हो गया घर में बैठे बैठे आप लोगों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया और मन में एक व्यथा सी हो रही थी कि किस तरह मैं अपने प्रियजनों से संपर्क स्थापित करूं, क्या करूं, किस तरह से मैं अपनी मन की भावनाएं आप तक पहुंचाऊं। तो इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। कविता में एक संदेश भी है और अगर संदेश आप तक पहुंचे, आपके दिलों तक पहुंचे, तो आगे अपने प्रियजनों तक बढ़ाइए। कविता का शीर्षक है कोरोना वायरस। कि कोरोना वायरस ने मचा दिया है चारों तरफ हड़कंप और कहर हुआ है इतना भयानक, हार मान गया एटम बम। घुटने टिका दिए चीन के, रुला दिया अमेरिका, और ढूंढ रहा हूं उस व्यक्ति को जो पहली बार था छींका। उस एक छींक ने मचा दिया पूरी दुनिया में कहर, सड़कें हो गई शमशान और भूतिया हो गए शहर। और इंसानों को बड़ा घमंड था अपने हाथों की शक्ति पर, इंसानों को बड़ा घमंड था अपने हाथों की शक्ति पर, एक वायरस बता गया कि आस रखो ईश्वर भक्ति पर। फैल रही है अब महामारी अपने पूरे ही प्रकोप पर, फैल रही है अब महामारी अपने पूरे ही प्रकोप पर, इससे बच के रहना हो तो छुपे रहो अपने ही घर पर। और 21 दिन का कर्फ्यू है और घर के बाहर है लक्ष्मण रेखा, घर के बाहर कदम नहीं रखना है। 21 दिन का कर्फ्यू है और घर के बाहर है लक्ष्मण रेखा, और पिट जाएगा अगर बाहर पुलिस ने तुमको देखा। बैठो अपने घर के अंदर, रोको पैरों के चक्रवात को, बैठो अपने घर के अंदर, रोको पैरों के चक्रवात को, कह कह के मोदी जी थक गए, तुम ना समझे इतनी सी बात को। और बाहर निकले वायरस ने पकड़ा तो हो जाएगा सब गुड़गोबर, बाहर निकले और वायरस ने पकड़ा तो हो जाएगा सब गुड़गोबर, बीमार करोगे अपने बच्चों को, बाहर निकलो यही सोचकर। अगली बार जब घर से बाहर कदम रखो ना, तो ये सोचना कि आपका ये कदम आपके परिवार को, आपके बच्चों को बीमार करेगा। बाहर निकले वायरस ने पकड़ा तो हो जाएगा सब गुड़गोबर, बीमार करोगे खुद के बच्चों को, निकलो बाहर यही सोचकर। और देश सेवा में मिट जाएंगे इसका हमेशा दम भरते हो, देश के लिए ये कर देंगे, देश के लिए वो कर देंगे, देश के लिए जान दे देंगे, और देश सेवा में मिट जाएंगे इसका हमेशा दम भरते हो, और घर बैठो ये देश ने मांगा इतना करने से डरते हो। जो घर बैठे वो हर एक नागरिक देश सेवा का एक फौजी है। आज हर वो व्यक्ति देशभक्त है, आज हर वो व्यक्ति एक फौजी है जो अपने घर में बैठा हुआ है। जो घर बैठे हर एक नागरिक देश सेवा का एक फौजी है, और सबसे बड़ा देशद्रोही वो आज के दिन भी मनमौजी है, वो जो कह रहा है ना मैं जाऊंगा बाहर, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, सबसे बड़ा देशद्रोही वो आज के दिन भी मनमौजी है। और अगली बार जब बाहर निकलो सोचो उनका जो सेवाव्रत है, अगली बार जब बाहर निकलो सोचो उनका जो सेवाव्रत है, डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी, सबसे बड़े जो देशभक्त हैं, हर नया मरीज ले जाता उनको उनकी मृत्यु के नजदीक। सोचा है जो अस्पतालों में जो भीड़ आ रही है उससे जो हमारी सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, कि हर नया मरीज ले जाता उनको उनकी मृत्यु के नजदीक, घर बैठो और उन्हें बचाओ यही मांगता तुमसे भीख। और घर बैठने के कुछ फायदे भी हैं कि घर में रह के घर वालों से घर जैसा व्यवहार करेंगे। याद करिए पिछली बार कब अपने घर में बैठ के अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी बहन से प्यार से बात करी होगी, या बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मन में दूसरे विचार चलने से बात करी होगी उनसे। आज मौका मिला है परिवार को परिवार की तरह देखने का, कि घर में रह के घर वालों से घर जैसा व्यवहार करेंगे, जिनको सिर्फ देखा करते हैं अपने बच्चों से प्यार करेंगे, वरना बच्चे तो या तो सुबह सोते हुए दिखते हैं, रात को सोते हुए दिखते हैं। कि घर में रह के घर वालों से घर जैसा व्यवहार करेंगे, जिनको सिर्फ देखा करते हैं अपने बच्चों से प्यार करेंगे, और सुबह उठो झाड़ू फटके से मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, वर्कआउट हो रहा है, कि सुबह उठो झाड़ू खटके से मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, और बर्तन साफ करना मुझको लगता मैनीक्योर के भांति है, नाखून बिल्कुल एकदम चिकने हो गए। कि घर बैठो झाड़ू फटके से मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, बर्तन साफ करना मुझको लगता मैनीक्योर के भांति है, और पढ़ने और म्यूजिक की आदत बरसों पीछे छूट गई। क्या क्या करना चाहते थे, समय होगा तो ये करेंगे, बकेट लिस्ट। जब समय नहीं मिलता था तो तुम घर में रुकने को रोते हो, अब रुकने को कहते हैं घर तो बाहर जाके क्यों मरते हो, समझ जाओ मेरी बात तुम, जान अगर तुमको है प्यारी, समझ जाओ मेरी बात तुम, जान अगर तुमको है प्यारी, लंबे समय तक घर रहने की प्यारे अब कर लो तैयारी, इस कोरोना की तो हमें कमर तोड़नी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें अपनानी है। कि समझ जाओ मेरी बात तुम, जान अगर तुमको है प्यारी, लंबे समय तक घर रहने की प्यारे अब कर लो तैयारी, कुछ ही दिनों का संयम हम सबको बचा के ले जाएगा।
दे दो देश के लिए ये बलिदान, कुछ ही दिनों का संयम हम सबको बचा के ले जाएगा और बाहर निकले तो कुछ ऐसा होगा जीवन भर तू पछताएगा, बाहर निकले तो कुछ ऐसा होगा जीवन भर तू पछताएगा। इमेजिन आप हम में से जो भी व्यक्ति बाहर गया और संक्रमित हुआ, हमको कैरियर कहा जाएगा। हम कैरियर बनना चाहते हैं, हम और लोगों को संक्रमण करना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों का यह संयम हम सबको बचा के ले जाएगा और बाहर निकले तो कुछ ऐसा होगा जीवन भर तू पछताएगा और पछतावे से दूर रहो अब इतनी तुमसे मेरी विनती, पछतावे से दूर रहो अब इतनी तुमसे मेरी विनती, एक वायरस से खत्म हो जाए यह नहीं मानव की नियति, एक वायरस से खत्म हो जाए ऐसी नहीं मानव की। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।